मम्मी मम्मी मुझे पैसे दे दो, मैं कॉपी कलम खरीद कर लाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं पापा को फोन करती हूँ। हेलो सुनो जी। हाँ बोलो, क्या बात है, बड़ी दिन बाद फोन किए हो। सुनो जी, अपने बेटे और बेटी को कॉपी कलम खरीद दो, पढ़ने जाएंगे। Oh, no. अरे मायावती, तुम तो जानती हो कि मैं अभी अभी दिल्ली आया हूँ घर से, इतना जल्दी पैसा कहाँ से लाऊंगा। सुनो जी, मैं अपने बेटे और बेटी को मूर्ख रखना नहीं चाहती, मैं पढ़ा कर ही रहूंगी। अरे मायावती जी, अगर इतना ही पढ़ाने का शौक है तो किसी से उधार मांग लो पैसे, मैं जाऊंगा ना दे दूंगा। ठीक है जी, जब आप कहते हैं तो किसी से उधार ले लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ मुझे कॉपी और कलम खरीद के दो, मैं पढ़ने जाऊंगी। अरे बेटी, मेरे पास अभी तो एक भी रुपया नहीं है, कहाँ से खरीद के दूँ तुम्हें कॉपी और कलम। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। Oh, no. अच्छा ठीक है, जब कह रही तो पापा को फोन करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, बड़ी दिन बाद फोन किए हो, क्या बात है। सुनो जी, अपनी काजल बिटिया को कॉपी और कलम खरीद के दे दो, पढ़ने जाएगी। पागल हो गई हो, अभी तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तुम पैसे मांगती हो। पापा मुझे कॉपी और कलम चाहिए। अच्छा ठीक है बेटी, जब इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे मम्मी के अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे योगी बेटा, तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, खाना बन गया है बेटा। अरे माँ, पहले दारू पी लेने दो, बिना दारू का भूख नहीं लगती माँ। अरे बेटा, तुमको पता नहीं, दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, दारू छोड़ दो। अरे माँ, अगर तुमने फिर से दारू छोड़ने की बात कही तो मैं जान दे दूंगा, दुनिया में ढूंढते रहना। अरे बेटा, ऐसा काम कभी भूल कर भी नहीं करना बेटा, मैं भगवान से तुमको मांगी हूँ, ठीक है। माँ अभी दारू के लिए पैसे दो, अगर नहीं दिया तो मर जाऊंगा माँ। अरे बेटा, तू तो मरोगे, मैं दुनिया को छोड़ के चली जाती हूँ बेटा। अरे मोदी चाचा, खाली भुट्टा खाने से पेट नहीं भरेगा, इसके लिए दारू भी होना चाहिए। अरे योगी बेटा, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमको पता नहीं बिहार में दारू बंद है, ऐसी बात फिर कभी मत करना, ठीक है। नहीं मोदी चाचा, बिना दारू का भुट्टा नहीं खाएंगे, आप दारू लाइए कहीं से। Oh, no. अरे योगी बेटा, क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं बहाना कर रहा था कि दारू बंद है। अरे कैसन बात करते हैं मोदी चाचा, आप इतना बड़ा दुनिया को संभालते हैं, आपके पास दारू के लिए भी पैसा नहीं है, कैसन आदमी है जी। माफ करना योगी बेटा, मैंने सब पैसे को अपनी साली के शादी में लगा दिया है, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या करूं। तो दोस्तों, ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।